हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पर मैं पूरा एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में बताऊंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या है, हम उसको किस तरह से रीड करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट और जो भी हमें चीज़ें चाहिए उसके लिए, ड्रॉ करने के लिए, उसको रीड करने के, तो एवरी थिंग सभी कुछ हम समझेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा आपको कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस तरह के दिखते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है। सो गाइस, टूल्स लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो भी टूल लिस्ट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग ड्राइंग, जब भी हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स हमें चाहिए तो वो क्या क्या होनी चाहिए, सारी की सारी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए ड्राइंग बोर्ड, सेट स्क्वायर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, रबर, पेंसिल, फ्रेंच कप, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, प्रोटेक्टर, स्केल, कैंपास, ड्राइंग सीट, ड्राइंग पिन एंड ड्राफ्टिंग मशीन जिसको मिनी ड्राफ्टर भी बोलते हैं, डस्टर, ट्रेसिंग पेपर एंड सैंड पेपर। तो ये कुछ नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए। तो गाइस, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तभी आप प्रॉपर तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है वो आपको पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, हम अभी वन बाय वन इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे कि जैसे कि इसमें से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो आपने अभी तक यूज़ भी किए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो आपने अभी यूज़ नहीं किए या उनको आपने इमेजेस नहीं देखी। तो अभी हम इस वीडियो में आगे उनकी इमेजेस देखेंगे कि वो कैसे हैं और उनका क्या यूज़ है। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा वो है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड देखिए, ये एक ड्राइंग बोर्ड है, इस पर हम जो भी हमें ड्राइंग्स ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करने के लिए हम इस बोर्ड पर कोई भी सीट, उस सीट को फिट करके फिर हम ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो ये ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट इज टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के हेल्प से जो भी हमें 90 डिग्री से जो लाइनें हमें ड्रॉ करनी होंगी उसके लिए हम इस तरह से टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर ये इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप पहले ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करते थे, सेम उसी तरह से एक अलग से एक इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के यूजेस के लिए। तो इसमें अलग कई कई टाइप्स के कैंपास वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इस बॉक्स में इंक्लूड होती हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। नेक्स्ट है रबर। पेंसिल से अगर कोई एरर है, कोई मिस्टेक हुई है, तो उसको इरेज करने के लिए हम रेजर का यूज़ करते हैं, रबर का। नेक्स्ट इज पेंसिल। सो गाइस, पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंस है, हम डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, हमें क्या ड्राइंग करना है उसकी पेंसिल कौन सी यूज़ करनी है, फाइन, HB पेंसिल, जो भी चीज़ें हैं ये अगर गाइस कहेंगे तो आप सभी पेंसिल्स पर मैं वन बाय एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस यूज़ के लिए हम किस तरह की पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। तो गाइस पेंसिल। नेक्स्ट इज फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व एक तरह की टेम्पलेट्स हैं, जिसमें देखिए टेम्पलेट्स क्या हैं, इसमें एक पर्टिकुलर स्पेशल कुछ साइजेस बनाए जाते हैं, कुछ फिगर्स होती हैं, कभी अगर हमें कुछ इस तरह का ड्रॉ करना है तो हम डायरेक्टली इन साइजेस के जरिए इस तरह से कोई भी शेप है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक इसको हम कह सकते हैं टेम्पलेट्स हैं ये कुछ फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। सो गाइस, ये ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स है, इसमें देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टर भी है और काफ़ी साइजेस, कुछ साइजेस के सर्कल्स, ये सारी चीज़ें इसमें इस टेम्पलेट्स में ड्रॉ की गई हैं, तो उस साइजेस के अभी आप इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। तो ये सारा है ये ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर गाइस डी, जिससे हम अगर हमें कोई एंगल ड्रॉ करना है किसी साइज़ का, तो इससे देखिए 180 तक और यहाँ से इसे हम 360, तीनों पूरे कंप्लीट 360 डिग्री तक के एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। नेक्स्ट इज स्केल। सो गाइस, स्केल में क्या है, हमें स्केल में जो भी अगर हमें कोई मेजरमेंट्स लेकर लाइंस को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैंपास। जब भी कोई रेडियस, सर्कल, आर्क अगर हमें ड्रॉ करनी है तो उसमें हम उसके लिए हम इस तरह से कंपास का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग सीट। गाइस, ड्राइंग सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर विदाउट ड्राइंग सीट आप ड्रॉ
नहीं कर सकते। तो ड्राइंग शीट्स का पूरा फॉर्मर है, फॉर्मेट है कि कहाँ से कितनी लाइंस की थिकनेस, यहाँ पर सीट्स की बॉर्डर्स वगैरह, बॉर्डर्स की थिकनेस क्या है, टाइटल ब्लॉक्स में क्या क्या चीज़ें, ये सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ड्राइंग शीट्स में हमें ड्रॉ करनी होती है। इस पर भी गाइस कहें तो अब मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पूरा का पूरा टाइटल ब्लॉक्स ये सारी चीज़ें समझाऊँगा स्टेप बाई स्टेप। नेक्स्ट इज ड्राइंग पिन। इसके लिए हमें जब हम बोर्ड पर सीट को फिट करते हैं तो उसको फिट करने के लिए हमें ड्राइंग पिन या फिर टेप टेप सेलो टेप वगैरह ये भी हमें ज़रूरत इनकी भी होती है। नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग मशीन यानी मिनी ड्राफ्टर। सो गाइस जैसे द सेट स्क्वायर से भी हम ड्राइंग्स को ड्रॉ करते हैं, बट सेट स्क्वायर जब नहीं है तो हम इस तरह से सेट स्क्वायर, अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए अगर हमें तो इस तरह से मिनी ड्राफ्टर्स का यूज़ करते हैं जिसमें हमें ये ड्राफ्टिंग की इस पूरे 360 डिग्री तक के एंगल्स होते हैं इसमें, और यहाँ पर ये 90 डिग्री में स्केल भी लगा होता है इसमें। तो इसको हम यहाँ पर बोर्ड में फिट करके और ईज़िली से कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू अगर हमें ड्रॉ करने हैं तो आराम से आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक तो ईज़िली हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डस्टर। गाइस डस्टर जब भी बोर्ड वगैरह पे आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसको मिटाने के लिए डस्टर भी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रेसिंग पेपर्स। गाइस पेपर्स जो ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए जो पेपर्स होते हैं उनको ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। नेक्स्ट इज सैंड पेपर। सैंड पेपर का यूज़ हम पेंसिल की जो निब होती है उसको शार्प करने के लिए, जैसे आप यहाँ पर इस इमेज में देखेंगे तो पेंसिल की निब को शार्प करने के लिए हम इस तरह के कुछ सैंड पेपर या एमरी पेपर्स का भी यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को सीट पर ड्रॉ करने के लिए। सो गाइस ये तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।